कक्षा टेंथ, कक्षा टेंथ विषय है संस्कृत। आपको मैं सिखा रहा हूँ हिंदी से संस्कृत बनाना। एक बार दोबारा से मैं वो सारणी बना के बताऊंगा कि जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन क्रिया की कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे अहम, आवाम और वयम, त्वम, युवाम और यूयम, बाकी सबके साथ प्रथम पुरुष में संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की क्रिया, संज्ञा सर्वनाम के साथ में क्रिया प्रथम पुरुष की होती है, ठीक है। यदि संज्ञा एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। सर्वनाम एक है तो एक वचन, द्व को दर्शाने वाला तो द्विवचन, और दो से अधिक को दर्शाने वाला है तो बहुवचन। अब इसमें जैसे तुम दिया, इनके अर्थ लिख देता हूँ। तुम का मतलब क्या होता है? तुम का मतलब क्या होता है? तुम। उसके बाद युवाम, युवाम का मतलब क्या होता है? तुम, दो। और नंबर तीन पे दिया हुआ है यूयम, यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। अब इधर दिया अहम, अहम का मतलब क्या होता है? मैं। उसके बाद दिया आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दो। और उसके बाद दिया वयम, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। इनके हिंदी अर्थ भी हमें आना चाहिए, इनके हिंदी अर्थ भी हमें आना अनिवार्य होता है। अब कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे स, स का मतलब क्या होता है? वह, तौ यानी वेदों, और ते यानी वे सब। इन सब चीज़ों का अर्थ, और ये सारणी यदि आपको आता है, इन सब चीज़ों का अर्थ और ये सारणी आपको आता है, तो आप सरलता से हिंदी से संस्कृत बना सकते हो। जैसे कह दिया जाए कि तुम जाते हो, या ठीक है, तो तुम के लिए क्या आता है? तुम, ठीक है, जाना क्रिया हो रही है। तो अब देखो तुम कहाँ दिया, मध्यम पुरुष के एक वचन में, यानी लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? गम धातु का क्या होता है? गच्छसि। क्या होता है? गच्छसि, यानी तुम जाते हो। अब दे दिया जाए कि तुम दो या दोनों जाते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या आता है? युवाम, युवाम कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में।
अब जाना यानी गम धातु के मध्यम पुरुष के भी उस द्विवचन में क्या होता है, गच्छ था, क्या होता है, गच्छ था। अब कह दिया जाए तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तुम सब के लिए क्या होता है, यूयम, क्या आता है, यूयम। यूयम कहाँ आता है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में गम धातु का क्या होता है, गच्छत। यानी ये सब बातें आप यदि तैयार कर लेते हैं तो आप हिंदी से संस्कृत बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पहले इन सब चीज़ों का तैयारी कर लें, आगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।